हेलो। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के? सब ठीक ठाक तो है ना? आप तो बैक टू बैक वीडियोस आ रही हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जो जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ तो आपको काफ़ी मज़ा देखकर आ ही रहा होगा। तो बाकी हम जो इम्प्रूवमेंट्स हमें लगता है कि इस चीज़ में हम इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वो तो हम अपनी वीडियोज़ में भी कर ही रहे हैं। बाकी जो आपका फीडबैक है वो आप नीचे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, सैमसंग के A31 एंड M51 इन दोनों डिवाइसेस में हमें लेटेस्ट UI 2.5 का अपडेट मिलना शुरू हो चुका है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये जो अपडेट है हमें सैमसंग के इन दोनों डिवाइसेस में अभी देखने को मिला है। और जो A31 का अपडेट है वो अभी इंडिया में रोल आउट करना शुरू नहीं किया गया है, तो ये मैं भी आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता देता हूं। बाकी इसके बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे ही। और जो M51 का अपडेट है वो अभी रिसेंटली इंडिया में रोल आउट करना शुरू किया है, तो आगे चलकर हम वीडियो में इसके बारे में सारे डिस्कस करने ही वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी में हम सबसे पहले A31 के अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अपडेट अभी इंडिया में रोल आउट नहीं किया गया है। इस अपडेट का जो वर्जन है वो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो इस वर्जन के साथ ये अपडेट हमें मे बी इंडिया में आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि साउथ कोरिया में ये अपडेट रिलीज किया गया है। तो साउथ कोरिया में तो इस वर्जन के साथ हमें ये देखने को मिला है। इसी के साथ इस अपडेट का वर्जन तो मैं आपको दिखा दिया, और जो साइज है वो है 961 MB, और जो सिक्योरिटी पैच है वो हमें नवंबर का यहां पर अपडेट किया गया है। तो हाँ, ये बात अब आपको ध्यान में रखनी है अगर आप A31 यूजर हैं, कि अब जो अपडेट है वो रोल आउट करना शुरू कर दिया है, तो आपको ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है। बस नेक्स्ट वीक तक आपके डिवाइस में इंडिया में रोल आउट होता हुआ शुरू हो जाएगा। बाकी जब भी इसका रोल आउट होता है तो मैं आपको कम्युनिटी में पोस्ट करके बता ही दूंगा, तो हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी M51, और आई थिंक कि जो सैमसंग M51 है वो मोस्ट सक्सेसफुल जो डिवाइस है सैमसंग का इस बार रहा। बजट सेगमेंट की हम बात करें और सबसे पावरफुल और दमदार सबसे बेस्ट चॉइस हमें अंडर 25,000 यही रहती है सैमसंग M51। तो बहुत सारे लोगों ने सैमसंग M51 को अभी परचेज करके रखा हुआ है, और जो One UI 2.5 का अपडेट है वो अभी इंडिया में रोल आउट होना शुरू हो चुका है। इसका जो वर्जन है मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो इस वर्जन के साथ आपको ये अपडेट इंडिया में रिसीव होता हुआ देखने को मिलने वाला है, और इसका साथ भी आपको नवंबर का सिक्योरिटी पैच यहां पर अपडेट किया जाने वाला है। और इसी के साथ इस अपडेट का साइज भी 900 MB के करीब है, तो अभी आपको मैं यहां पर स्क्रीन पे वीडियोस भी दिखा रहा हूं। तो ये है अपडेट जो कि डिटेल्स हमारे पास इसकी आई हुई है, और इतना हमें इसका साइज यहां पर देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ यहां पर कुछ डिसअपॉइंटेड चीजें हमें देखने को मिली है, जो कि सैम मोबाइल ने ऑफिशियली अपने पेज पे हाईलाइट की हुई है, कि इसमें अभी आपको कोई भी सिंगल टेक के लिए जो ड्यूरेशन का ऑप्शन है तो वो नहीं मिलता है। मतलब आप सिंगल टेक में अब जो ड्यूरेशन है उसका वेट कर रहे थे, तो वो अभी फिर से यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया है। और उसी के साथ जो वाईफाई में एक नया फीचर्स था वाईफाई इंडिकेटर्स का, तो वो भी अभी यहां पर हमें देखने को नहीं मिला है। तो हाँ, ये दो ऐसी चीजें हो सकती है जो आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर दें आपके अभी One UI 2.5 के साथ ये अवेलेबल नहीं की गई हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर हैप्टिक फीडबैक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर रिसीव होता हुआ देखने को मिल जाएगा इस अपडेट के साथ। तो अब आप जो है हैप्टिक फीडबैक का भी मजा यहाँ पर उठा पाएंगे। जनरली जो आपकी वाइब्रेशन मोटर है वो और इम्प्रूव हो जाएगी, और जो आपको वाइब्रेशन मोटर का आउटकम निकल कर आएगा तो हैप्टिक फीडबैक आप उसे बोलेंगे, तो अब जो है आपको टाइपिंग वगैरह करेंगे तो उसमें काफ़ी मज़ा हैप्टिक फीडबैक के थ्रू आने वाला है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको इसके फीचर बता दिए, जो कि एक हाईलाइटेड फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और उसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि जो सिस्टम की स्टेबिलिटी और जो पुराने बग्स थे तो वो भी यहाँ पर कुछ फिक्स किए गए हैं। इसके अलावा कोई और फीचर हमें यहाँ पर ऐड होते हुए देखने को नहीं मिले हैं। बाकी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर हैं वो तो हमें ऑलरेडी ही इसमें अवेलेबल मिल जाते हैं, और इसका जो रोल आउट है वो हमें इंडिया में अभी रिसेंटली स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो अगर आपके पास इंडिया में सैमसंग गैलेक्सी M51 है तो बहुत जल्द आपके स्मार्टफोन में ये अपडेट आपको मिलने वाला है। इंडिया के अलावा बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, रसिया, इजिप्ट, इराक और यूक्रेन, तो इन सभी कंट्रीज में भी हमें इंडिया के अलावा इसका रोल आउट होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो ये दे दी मैंने आपको सारी जानकारी सैमसंग M51 के
इस अपडेट की, तो मुझे उम्मीद है कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपको काफी पसंद आई हो। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है नीचे जरूर से कमेंट बताइए, और अगर आपको अपने M51 में ये अपडेट रिसीव हो चुका है तो आप नीचे जरूर से कमेंट करके बताइए कि हाँ हमें ये अपडेट रिसीव हो चुका है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।